हेलो फ्रेंड्स, दिस इज साग गुप्ता एंड वेलकम बैक टू परचम। आज हम चैप्टर 59 सेंट्रल विजिलेंस कमीशन यानी कि केंद्रीय सतर्कता आयोग एंड चैप्टर 60 सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन पे बेस्ड एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। सो विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं हम अपनी आज की क्लास को। सबसे पहले देखते हैं अपना प्रीवियस डे क्वेश्चन। सो क्वेश्चन क्या था? द डेट ऑफ एडॉप्शन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज, यानी कि जो हमारा भारतीय संविधान है उसको अपनाने की तिथि क्या है? चार ऑप्शंस थे आपके पास। ए 15 अगस्त 1947, बी 26 नवंबर 1948, सी 26 नवंबर 1949, डी 26 जनवरी 1950। सो इसका सही आंसर क्या था? ऑप्शन सी 26 नवंबर 1949। इनफैक्ट जब आप प्रीएम्बल को देखोगे तो ये जो डेट है क्लियरली मेंशनड है उसमें। चलिए देख लेते हैं प्रीएम्बल को। प्रीएम्बल में अगर आप लास्ट की तीन चार लाइनों को देखोगे तो क्या लिखा हुआ है? In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution. यानी कि date of adoption क्या है, date of enactment क्या है? 26 November 1949. ये preamble में clearly लिखा हुआ है। अब हम start करते हैं अपने आज के questions के साथ। And पहला question है, Which of the following committee recommended for establishment of Central Vigilance Commission? यानी कि जो केंद्रीय सतर्कता आयोग है उसकी स्थापना किस समिति के सिफारिश पे की गई थी? पहला रामनंदन कमेटी, बी गडगिल कमेटी, सी संथनम कमेटी, डी कृष्णा मेनन कमेटी। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी संथनम कमेटी। जहां तक बात है रामनंदन कमेटी की, तो रामनंदन कमेटी को क्या काम दिया गया था? उनको कहा गया था कि जो ओबीसी है यानी कि अदर बैकवर्ड क्लास है उनमें आप क्रीमी लेयर को फाउंड आउट करो। गडगिल कमेटी इज रिलेटेड टू पंचायती राज इंस्टीट्यूशन एंड जो कृष्ण मेनन कमेटी थी इन्होंने कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग मनाई जानी चाहिए ऐसा रिकमेंडेशन दिया था। ठीक है, यही चीज यहां भी लिखी हुई है जो हमने अभी डिस्कस किया। रामनंदन कमेटी ने क्रीमी लेयर को आइडेंटिफाई किया, गडगिल कमेटी ने पीआरआई से रिलेटेड थी वो, और कृष्ण मेनन कमेटी ने यह कहा कि कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग मनाई जानी चाहिए। ये सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली है। सेकंड क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट सीबीआई। पहला, इट इज द मेन इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। सेकंड, इट डिराइव इट्स पावर्स फ्रॉम दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट 1946। कौन सा स्टेटमेंट यहां सही है? ऑप्शन ए वन ओनली, ऑप्शन बी टू ओनली, ऑप्शन सी बोथ वन एंड टू, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी बोथ वन एंड टू, क्योंकि जो सीबीआई है वो मेन एक प्रीमियर इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है सेंट्रल गवर्नमेंट की, बिल्कुल सही है। एंड वो जो अपनी पावर है वो कहां से ड्राइव करती है? वो ड्राइव करती है दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट 1946 से। सो दोनों के दोनों स्टेटमेंट हमारे सही है। थर्ड क्वेश्चन, The director of CBI has been provided with a security of 2-year tenure in office by, यानी कि जो CBI होती है उसके निदेशक जो होते हैं उनका कार्यकाल 2 साल का होता ही होता है। सो ये जो सिक्योरिटी है, ये जो गारंटी है टेन्योर की, वो किस एक्ट ने प्रोवाइड किया? चार ऑप्शंस है। ए दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट 1946 यानी कि दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 1946, बी सीवीसी एक्ट 2003, सी सीबीआई एक्ट 1991, डी लोकपाल एंड लोकायुक्ता एक्ट 2013। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी सीवीसी एक्ट 2003। प्लीज आप सीबीआई एक्ट 1991 में कंफ्यूज मत होना, क्योंकि सीबीआई एक्ट करके कोई एक्ट ही नहीं है। ठीक है, अब सीवीसी एक्ट 2003 में ऐसे चेंजेस क्यों लाए गए? ऐसे चेंजेस जो है विनीत नारायण केस जो 1997 में आया था, उस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ बहुत भला बुरा सरकार को कह दिया था। इस कारण सीबीआई की सैंटिटी, सीबीआई की जो मर्यादा थी वो बचाने के लिए सरकार ने कुछ चेंजेस किए थे। अब विनीत नारायण केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था? सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि जो सीबीआई है ना हमारी, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, इट इज अ केस्ड पैरट स्पीकिंग ऑफ इट्स मास्टर्स वॉइस।
यानी कि वो एक बंद तोता है जो अपने मालिक की जुबान बोलता है। मालिक कौन? यानी कि सरकार की जुबान बोलता है। अब जब ऐसे स्टेटमेंट्स, ऐसे वक्तव्य सुप्रीम कोर्ट कह रहा था सीबीआई के बारे में, एंड सीबीआई को आप कहते हो कि वो मेन इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, प्रीमियर इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, तो अब तो भैया कुछ ना कुछ सिक्योरिटी इनको प्रोवाइड करनी पड़ेगी, कुछ ना कुछ इनको सेफगार्ड्स प्रोवाइड करने पड़ेंगे। तो सरकार ने सेफगार्ड्स के नाम पे जो सीबीआई के डायरेक्टर थे उनका टर्म 2 साल का फिक्स कर दिया। पहले क्या होता था कि अगर कोई सीबीआई का डायरेक्टर है वो गवर्नमेंट जो में जो लोग हैं उनके खिलाफ कुछ इंक्वायरी कर रहा है तो डायरेक्टर को हटा के किसी और को बैठा देते थे, ऐसी चीजें होती थी। तो सुप्रीम कोर्ट इन सब चीजों से खफा था, बहुत गुस्सा था। फिर बाद में सरकार ने चेंजेस लाए एंड ये कह दिया कि 2 साल का मिनिमम टर्म तो होगा ही होगा सीबीआई का, उससे पहले कोई हटा ही नहीं सकता। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट सीवीसी। पहला, द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सीवीसी एक्सटेंड्स टू मेंबर्स ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज ओनली, यानी कि जो केंद्रीय सतर्कता आयोग है वो केवल और केवल ऑल इंडिया सर्विसेज के जो मेंबर्स होते हैं उनके खिलाफ ही इंक्वायरी कर सकता है। सेकेंड, इट हैज ऑल पावर्स ऑफ सिविल कोड। अब क्या करेक्ट है? ऑप्शन ए वन ओनली, ऑप्शन बी टू ओनली, ऑप्शन सी बोथ वन एंड टू, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी टू ओनली। पहले स्टेटमेंट हमारा गलत है क्योंकि जो सीवीसी है उसका क्षेत्र अधिकार इज नॉट लिमिटेड टू द मेंबर्स ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज, वो क्वाइट बड़ा है। अब कहाँ कहाँ तक उसका ज्यूरिसडिक्शन जाता है वो हम नेक्स्ट स्लाइड में उसके बारे में पढ़ेंगे। दूसरा स्टेटमेंट हमारा सही है, इट हैज ऑल पावर्स ऑफ सिविल कोड, सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी टू ओनली। सो जो सीवीसी का ज्यूरिसडिक्शन है जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट के ग्रुप ए ऑफिसर्स हैं उनके ऊपर है, जो भी ग्रुप डी या फिर अबव के ऑफिसर्स हैं आरबीआई में, नाबार्ड में, सिडबी में, उनके ऊपर है, जो भी मैनेजर्स हैं या फिर उसके ऊपर की पोस्ट में लोग हैं जनरल इंश्योरेंस कंपनीज में, इनके ऊपर भी सीवीसी का ज्यूरिसडिक्शन है। एंड इनके अलावा भी कई सारे लोगों के ऊपर, कई सारे तरह के ऑफिसर्स के ऊपर सीवीसी का ज्यूरिसडिक्शन होता है। फिफ्थ, व्हाट इज द मोटो ऑफ सीबीआई, यानी कि जो हमारी सीबीआई है उसका आदर्श वाक्य क्या है, उसका ध्येय वाक्य क्या है? ऑप्शन ए टच द स्काई विद ग्लोरी, ऑप्शन बी इंडस्ट्री इम्पार्शियलिटी एंड इंटीग्रिटी, यानी कि उद्योग निष्पक्षता और अखंडता, सी वी प्रोटेक्ट यानी कि हम रक्षा करते हैं, डी फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल, फॉर द कंफर्ट ऑफ ऑल। इसका करेक्ट आंसर क्या है? क्वाइट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। द करेक्ट आंसर इज इंडस्ट्री इम्पार्शियलिटी एंड इंटीग्रिटी। सो सीबीआई का मोटो क्या है? इंडस्ट्री इम्पार्शियलिटी एंड इंटीग्रिटी। जहां तक बात है मोटो टच द स्काई विद ग्लोरी की, सो दिस इज द मोटो ऑफ आवर इंडियन एयरफोर्स। वी प्रोटेक्ट मोटो है हमारे इंडियन कोस्ट गार्ड का, एंड फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल, फॉर द कंफर्ट ऑफ ऑल, दैट इज द मोटो ऑफ ऑल इंडिया रेडियो। ओके, सिक्स्थ क्वेश्चन, द डायरेक्टर ऑफ सीबीआई इज अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ 3 मेंबर कमिटी कंसिस्टिंग ऑफ, यानी कि जो सीबीआई का निदेशक होता है ना उसको अपॉइंट सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, 3 मेंबर की कमिटी होती है उसकी रिकमेंडेशन पे। तो उस 3 मेंबर की कमिटी पे कौन कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ अपोजिशन इन राज्यसभा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और अ सुप्रीम कोर्ट जज अपॉइंटेड बाय हिम। अब क्या करेक्ट है? ऑप्शन ए वन ओनली, ऑप्शन बी वन एंड टू ओनली, ऑप्शन सी टू एंड थ्री ओनली, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी वन एंड थ्री ओनली। पहला सही है, तीसरा भी सही है। प्राइम मिनिस्टर एंड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पार्ट होते हैं उस 3 मेंबर कमिटी का, बट जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन होता है राज्यसभा का, ही इज नॉट अ पार्ट ऑफ अ 3 मेंबर कमिटी जिसकी रिकमेंडेशन पे सीबीआई के डायरेक्टर को अपॉइंट किया जाता है। उनकी जगह पे कौन होता है? लीडर ऑफ ऑपोजिशन इन लोकसभा। एंड ये सारी चीजें कहां से डिसाइड की गई है या फिर कहां लिखी हुई है? लोकपाल एंड लोकायुक्ता एक्ट 2013 में। ओके, सेवेंथ, विच इंस्टीट्यूशन एक्ट एज द नेशनल सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इंटरपोल इन इंडिया। इंटरपोल यानी कि जो इंटरनेशनल पुलिस होती है उसका नेशनल सेंट्रल ब्यूरो की तरह कौन एक्ट करता है भारत में? ए नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, बी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी कि सीबीआई, सी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, डी इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी कि आईबी।
The करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। सो ये भारत का क्या है, इंटरपोल। इंटरपोल का हेडक्वार्टर कहाँ है, लियोन फ्रांस में। ये है इंटरपोल का लोगो, एंड इंटरपोल का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल क्राइम पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम कॉमनली इंटरपोल की तरह जानते हैं। एंड ये क्या करता है, पूरी दुनिया में जितनी भी अलग अलग देश की पुलिस है उनके बीच कॉपरेशन प्रोवाइड करता है एंड क्राइम को कंट्रोल करने में मदद करता है। ओके, एट क्वेश्चन। द सैलरी अलाउंसेस एंड द अदर कंडीशंस ऑफ सर्विसेज ऑफ सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर इज इक्विवेलेंट टू, यानी कि जो सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर होते हैं उनकी सैलरी, उनकी अलाउंसेस और उनको बाकी जो फैसिलिटीज मिलती है वो किसके बराबर होती है। ऑप्शन ए सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर, ऑप्शन बी यूपीएससी के अध्यक्ष के बराबर, ऑप्शन सी चीफ इलेक्शन कमिश्नर के बराबर, ऑप्शन बी सीबीआई के डायरेक्टर के बराबर। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी यूपीएससी चेयरमैन। तो इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। नाइन्थ, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट सीबीआई। पहला, इट इन्वेस्टिगेट्स केसेस ऑफ करप्शन, ब्राइबरी एंड मिसकंडक्ट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट इंप्लॉइज। सेकेंड, इट प्रोवाइड्स असिस्टेंस टू सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एंड लोकपाल। अब कौन सा स्टेटमेंट यहाँ करेक्ट है, ए वन ओनली, बी टू ओनली, ऑप्शन सी बोथ वन एंड टू, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी बोथ वन एंड टू, क्योंकि ये दोनों काम कौन करता है, सीबीआई। ओके, एंड इसके साथ ही साथ सीबीआई और भी काम करता है, जैसे कि वो क्राइम स्टैटिस्टिक्स को मेंटेन रखता है, वो जो है एंटी करप्शन एजेंसीज होती हैं उनकी एक्टिविटीज को कोऑर्डिनेट करता है। इट इन्वेस्टिगेट्स केसेस रिलेटेड टू इंफ्रिंजमेंट ऑफ फिस्कल एंड इकोनॉमिक लॉस, यानी कि किस तरह की टेरर फंडिंग हो रही है, मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है, तो उन केसेस को भी इन्वेस्टिगेट सीबीआई कर सकता है। इसके अलावा भी कई सारे फंक्शंस सीबीआई परफॉर्म करता है। 10th, द सीबीआई अकेडमी इज हेडक्वार्टर्ड एट, तो जो सीबीआई की अकेडमी है वो कहाँ है, ए दिल्ली, बी प्रयागराज, सी गाजियाबाद, डी नागपुर। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी गाजियाबाद, और ये रही सीबीआई अकेडमी की एक पिक। पहले सीबीआई की अकेडमी दिल्ली में थी, लेकिन लेटर ऑन उसको शिफ्ट कर दिया गया, कहाँ, गाजियाबाद में। गाजियाबाद कहाँ है, उत्तर प्रदेश में। ओके, 11th, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट सीबीआई। पहला, इट वॉज सेटअप बाई अ रेजोल्यूशन ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। सेकेंड, द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इट वॉज रिकमेंडेड बाई संधनम कमिटी। अब क्या सही है, ए वन ओनली, बी टू ओनली, ऑप्शन सी बोथ वन एंड टू, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी टू ओनली। पहला स्टेटमेंट हमारा गलत है, बिकॉज सीबीआई को बनाने के पीछे किसका बड़ा हाथ था, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का, एंड इसी के रेजोल्यूशन पे सीबीआई को सेटअप किया गया था। बट नोट करने वाली बात यह है कि भले ही सीबीआई को मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने बनाया था, बट टुडे एट प्रेजेंट इट वर्क्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल। दूसरा स्टेटमेंट हमारा सही है, बिकॉज इसकी एस्टैब्लिशमेंट किसकी रिकमेंडेशन पे हुई थी, संतनम कमेटी के रिकमेंडेशन पे, एंड ये जो संतनम कमेटी है इसी कमेटी ने सीवीसी को एस्टैब्लिश करने की भी बात की थी। तो इस कमेटी ने सीबीआई को भी एस्टैब्लिश करने की बात कही और सीवीसी को भी। सो ये क्लियर होना चाहिए आपको। 12th क्वेश्चन, चूज द करेक्ट पेयर। ऑन वन साइड वी हैव यूपीएससी, सीवीसी, सीबीआई। ऑन द अदर साइड वी हैव स्टैचुटरी बॉडी, नीदर स्टैचुटरी नॉर कॉन्स्टिट्यूशनल, सी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। सो फाउंड आउट द करेक्ट पेयर। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। क्यों, क्योंकि जो यूपीएससी है वो क्या है, वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, इसके बारे में हम कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ते हैं। जो सीवीसी है हमारी वो क्या है, वो एक स्टैचुटरी बॉडी है, बिकॉज इट हैज बीन एस्टैब्लिश्ड बाय सीवीसी एक्ट 2003। सीबीआई क्या है, वो ना ही तो स्टैचुटरी बॉडी है और ना ही कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ओके, सो करेक्ट ऑप्शन वुड बी ऑप्शन ए, यानी कि वन का सी, टू का ए, थ्री का बी। 13th, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन फॉल्स अंडर विच मिनिस्ट्री। जो सीबीआई है वो किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, अभी अभी हमने डिस्कस किया, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस। द करेक्ट आंसर इज मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल, यानी कि कार्मिक मंत्रालय। कार्मिक मंत्रालय के अंदर कई सारी बॉडीज आती हैं, जैसे कि सीवीसी हो गई, सीआईसी हो गया,
यूपीएससी हो गया, एसएससी हो गया, कैट हो गया, ऑल दिस कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल। कैट मतलब सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल, जिसके बारे में हमने पहले पढ़ लिया है। 14th, द सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ 3 मेंबर कमिटी कंसिस्टिंग ऑफ, यानी कि जो सीवीसी के प्रेसिडेंट होते हैं उनको अपॉइंट करने के लिए 3 मेंबर की कमिटी होती है। उस कमिटी में कौन कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा, यूनियन मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स। ऑप्शन ए वन ओनली, ऑप्शन बी वन एंड टू ओनली, ऑप्शन सी वन एंड थ्री ओनली, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होने का। जो भी सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर होगा उसको अपॉइंट कौन करेगा? प्रेसिडेंट। किसकी रिकमेंडेशन पे? प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा एंड यूनियन मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स के रिकमेंडेशन पे। 15th क्वेश्चन, द 10th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ब्रॉडली डील्स विद, यानी कि हमारी जो 10वीं अनुसूची है वो किसकी बात करता है? चार ऑप्शंस है। लैंड रिफॉर्म्स की बात करता है, एंटी डिफेक्शन लॉ की बात करता है, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस की बात करता है, या फिर वो डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स की बात करता है। सो इसका करेक्ट आंसर क्या है वो आपको हमें कमेंट करके बताना है। सो डू कमेंट द आंसर। सो इस तरीके से खत्म होते हैं हमारे आज के 15 क्वेश्चंस। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम चैप्टर 61 लोकपाल एंड लोकायुक्तास, चैप्टर 62 नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, चैप्टर 63 नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी पे बेस्ड एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। सो डू प्रिपेयर दीज 3 चैप्टर्स। एंड इन तीनों में भी सबसे इंपॉर्टेंट केवल एक ही चैप्टर है, लोकपाल एंड लोकायुक्तास, आई बिलीव सो। सो इस पे थोड़ा ज्यादा ध्यान देना। एंड सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय बाय, थैंक यू एंड टेक केयर।